खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के हरदोई से। यूपी के हरदोई की मुगल सराय एस्पेक्ट्स की जनरल बोगी में 30 जिंदा कारतूस मिलने से पूरे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप समझ गया। दरअसल आरपीएफ के जवान जब ट्रेन में गश्त लगा रहे थे तो ट्रेन की टॉयलेट के अंदर 30 जिंदा कारतूस पाए गए, जिसके बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया और उसके मुगल सराय एक्सप्रेस को पूरी छानबीन के बाद ही छोड़ा गया। यूपी के हरदोई के मुगल सराय एक्सप्रेस की जनरल बुकिंग में 30 जिंदा कारतूस मिलने से पूरे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप सा मच गया। दरअसल आरपीएफओ गश्त के दौरान जनरल बुकिंग के टॉयलेट में से 30 जिंदा कारतूस का बंडल मिलने से पूरा रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया और पूरी छानबीन के बाद ही मुगल सराय एक्सप्रेस 143-07 को हरदोई पहुंचाया गया। इस मामले को लेकर रेलवे विभाग पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है और हर आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रख रहा है और अपनी सुरक्षा भी उसने बढ़ा दी है। पेश है यूपी के हरदोई से हमारे संवाददाता आसिफ अली की रिपोर्ट। क्या मामला था सर? ये मुगल सराय एक्सप्रेस 43-07 में संडिला स्टेशन पर आरपीएफ की चेकिंग के दौरान जनरल कोच के शौचालय में वॉश बेसिन के ऊपर एक पुलिस की बेल्ट और एक बंडोलिया जिसमें 30 राउंड थे राइफल के, वो बरामद हुए। ये पब्लिक द्वारा जो है वहाँ पर आरपीएफ कर्मचारियों को बताया गया कि इस कोच के शौचालय में ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने चेक किया और इनको लेकर के अपने कब्जे में लिया उन्होंने और ये फिलहाल सुरक्षित रूप से हमारे आरपीएफ आउट पोस्ट संडिला के कोत में जमा है। कहाँ से थे, किसकी है, कुछ जानकारी? इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं हुई। मेरे द्वारा अपने रेलवे सुरक्षा बल के कंट्रोल को, पुलिस कंट्रोल को इसकी सूचना दे दी गई है, जहाँ से जो है अन्य जगहों में जगह जगह डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलों में हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल ने इसकी सूचना भेजी है, खास करके मुख्यालय लखनऊ के लिए भी इसकी सूचना दी गई है।